Assalamualaikum, welcome back to my channel निस्ता ब्यूटी एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। सो आज निकाह का दिन है और ये ड्रेस मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैं इसकी स्टिचिंग दिखा देती हूँ, स्लीव का स्टाइल देख सकते हैं आप लोग। आज मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ और इसकी जो स्लीव का स्टाइल था वो मैंने कुर्ता स्टाइल में रखवाया था। मोस्टली जो होते हैं स्लीव्स बनी होती है वो यहाँ से राउंड में होती हैं, बट मैं जिनसे ना ज़्यादातर इसी तरह से बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे कुर्ता स्टाइल में शर्ट्स जूसी होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं, लूज स्टिच हुई भी हूँ और थोड़ी सी ना स्लीव्स ऐसे हों, तो मैं मोस्टली जो मेरे ड्रेसेस होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। इसके ऊपर कामधानी वर्क है और गोल्ड और सिल्वर कलर का है। ये मैंने इंस्टाग्राम से ड्रेस ऑर्डर किया था और पेज में मैंशन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी जाके देख सकते हैं और यहाँ पर भी कर दूँगी। नीचे मैंने इसके साथ जो गोटा होता है वो लगवाया था और जो इनर का फैब्रिक है वो मैंने फुल आगे तक रखवाया था, लेकिन यहाँ से नीचे से थोड़ा सा ओपन छोड़ा था। स्लीव्स पे भी मैंने आगे तक लगवाया था क्योंकि मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही रिलैक्स रहती हूँ। अच्छा जी, तो उसके बाद नेक की शेप की तरफ आते हैं। नेक की शेप जो सी थी मैंने बोर्ड शेप में रखवाई थी, बट इसको बहुत ज़्यादा ऐसे पीछे की तरफ खुला नहीं रखवाया था, बिल्कुल लाइट से शेप दी थी इसकी और ना ही मुझे डीप चाहिए था। और बैक साइड देख सकते हैं, बैक साइड के ऊपर भी फुल मुकैश वर्क था, लेकिन बैक साइड पर जो मुकैश थी वो छोटे साइज़ की थी। स्लीव्स के अंदर जो मुकैश थी वो बड़ी छोटी दोनों थी। फ्रंट साइड पर बटन मुकैश थी और फैब्रिक जो सा है वो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, और इनर इसको लगा हुआ था जो फैब्रिक वो उसका नाम मुझे नहीं आता, ना ही वो जो है रॉ सिल्क था और ना ही मलाई था, और पता नहीं ये कौन सा फैब्रिक था, लेकिन अच्छा फैब्रिक था, काफ़ी एक्सपेंसिव फैब्रिक था। ये इसके साथ दुपट्टा था और दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा का था, और मैं करीब से आप लोगों को दिखाती हूँ रख के। यहाँ पे आप देख सकते हो गोटा लेस लगवाई थी मैंने, किरण लगवाती वो भी अच्छी लगती है, बट जो सा ना वो थोड़ी ब्राइडल लुक देती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइज़ था मुकैश का, जो कि दुपट्टे पे लगी हुई थी और बैक साइड पे लगी हुई थी, बाकी ये लेस लगी हुई थी इसके साथ। ये लेस मैंने खुद लगवाई थी पीको वाली जो शॉप होती है वहाँ पर जाके, और ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इसका घेर था और जो सा ना, लेकिन यहाँ पर इतना उस तरह से खुला नज़र नहीं आ रहा वीडियो में, क्योंकि रख के कैमरे के साथ शूट करते हुए आप लोगों को पता है चीज़ें उस तरह से शो नहीं होती। नीचे मैंने इनर का फैब्रिक लगवाया था क्योंकि इसके अंदर मुझे सी थ्रू का इशू था, आपको पता है व्हाइट कलर के नीचे से कुछ सामने नजर आता है, तो ट्राउजर के अंदर अगर आप लोग इस तरह से इनर का फैब्रिक लगवा लो तो बहुत अच्छा होता है। उसके नीचे मैंने गोटा लगवाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप नीचे से मेरे फैब्रिक को पकड़ के दिखाऊंगी, आप देखें बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा कुछ भी, और ऐसे शेप भी अच्छी आ जाती है ना। इस ड्रेस के साथ जो मैं हील्स पहने जा रही हूँ वो सावा शूज के हैं, और जो सर इनका जो इंस्टाग्राम का पेज है वो भी मैं टैग कर दूंगी। यहाँ पे ये जूते देख सकते हो मेरे यार, आई लव इट, ये मैंने अली एक्सप्रेस में देखे थे और मुझे इतने अच्छे लगे थे, लेकिन वहाँ पे प्राइस रेंज बहुत ज्यादा थी और आपको पता है कितने लेट मिलते हैं, और यहाँ पे जो सर इनकी प्राइस रेंज इतनी कम थी कि मैंने देखते साथ फौरन ऑर्डर किए, और इनके बहुत सारे जो सर हील्स और शूज़ वगैरह आप लोगों को बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलने जा रही हैं, और डिलीवरी चार्जेस भी इनके बहुत कम हैं और बहुत जल्दी ये जो सर डिलीवर करते हैं। अच्छा जी, जो ज्वेलरी सेट मैं आज पहनने जा रही हूँ वो ये वाला है। काफ़ी सारे सेट्स मैंने एक साथ ऑर्डर कर दिए थे इंस्टाग्राम के एक पेज से, और आप लोगों को ये भी इन्फॉर्मेशन मेरे इंस्टाग्राम के जो पेज है निसा ऑफिशियल वन से वहाँ से मिल जाएगी, और वहाँ पे सारे पेज मैंने टैग किए होंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हो तो यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो। अब जी मैं आप लोगों को अपनी नेल पेंट भी दिखा दूँ जो मैंने लगाई थी आते आते जल्दी से, और ये रेड कलर की नेल पेंट मैंने लगाई थी। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, सदर पहुँच चुके हैं, पीसी होटल जो रावलपिंडी है सदर में, उसके बिल्कुल करीब हमारा शादी हॉल था, होटल था जहाँ पे हम लोगों ने जाना था। यहाँ पे ये देख सकते हो पहुँच चुके हैं हम लोग, अब मैं निकलती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर करती जाऊँगी। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग जानते हो मेरी कज़न की शादी है, मतलब कि घर का फंक्शन है हमारा, और जो सना सब ने बोला था सबसे पहले हाल में आपने पहुँचने, कज़न्स मेरे हाल के बाहर खड़े हुए थे वेट कर रहे थे हमारा, और कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, हालांकि बिल्कुल भी लेट नहीं थे, और बस ऑर्डर से ये आए हुए थे कि सबसे पहले हाल में आपने पहुँचना है, हम लोग आपसे बाद में आएंगे, लेकिन वो लोग पहुँच गए थे, फिर उनसे सब्र नहीं हो रहा था, हम लोग क्यों नहीं पहुँचे, या किसी की बर्थडे की पार्टी हो रही थी, डेकोरेशन वगैरह हुई हुई थी। जितने क्लिप्स मुझसे बन सके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सब कुछ, जैसे मैंने इंजॉय किया सब कुछ, तो क्योंकि फैमिली व्लॉग है तो हर जो जो मोमेंट हुआ है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इसी तरह से मज़ा आता है, जो आर्टिफिशियल एक व्लॉग्स बने होते हैं उस तरह से उस तरह बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मनाइल ना हो, जैसे ही मैं पहुँची पीछे पीछे ये लोग भी पहुँच गए थे, अभी मैं अंदर इंटर भी नहीं हुई और ये पहले पहुँच गया जी मेरे साथ, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर ये ना हो, ये भी कोई बात है भाई। एक बात आप सबने नोट की हो या ना की हो, मैंने की है, जो माएँ हमारी होती है ना, जब ये पे के घर में जाती है ना, तो कोई ऐसी इनके अंदर सुपर पावर आ जाती है कि औलाद को तो जैसे भूल ही जाती है, ये देखिए मेरी मम्मी को देखिए, आप लोग सबसे आगे आगे भाग रही हैं, जैसे बेटी का पता ही नहीं है, पीछे रह गई वीडियो बना रही है।
मतलब कि इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी खुशी होती है जो सरा कि बस सबसे आगे आगे जाना है। और अल्लाह का शुक्र है हम लोग पहुँच गए, गाड़ी बहुत दूर खड़ी कर दी थी, हमें पता ही नहीं था कहाँ पे कर दी है, और उसके बाद ही हम लोग पहुँच गए हैं। और मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों की मदर्स भी ऐसे ही करती हैं, मतलब कि एक अपनी खुशी होती है माँ बाप के घर जाने की, अपने भाई के घर जाने की होती है, कि जिनसे ना कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छी बात होती है, अच्छा लगता है माँ बाप को इस तरह से खुश देख कर। इसके बाद जी सबको मिलने के बाद मैं ब्राइडल रूम में आ गई थी, क्योंकि ब्राइडल को मिलना भी था और डांट भी सुननी थी, और उससे मुझे देखते साथ कहती इनको देखिए कितने बजे आई, इनको कितने बजे का कहा था। और जिनसा ना फिर हम लोगों ने शूट किया एक साथ, क्योंकि कोई पता नहीं है फिर हम लोग कब मिलेंगे। उसके बाद जी मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि हमारे दूल्हे भैया पहुँच चुके थे, उनकी फैमिली पहुँच चुकी थी, हमने उन्हें वेलकम करना था, बहुत अच्छे से वेलकम करना था। और जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर पूल देखें, उसके बाद मैं दूल्हा भैया दिखाती हूँ आप लोगों को। गाड़ी उनकी रुक चुकी है और बस वो उतर रहे हैं, उन्हीं का वेट हो रहा था कि वो उतर जाएं, उसके बाद फिर जब वो एक साथ अंदर आएंगे तो उनको अच्छे से वेलकम करें। तो जी दूल्हे भैया हमारे पहुंच चुके हैं, उनका वेलकम हम लोग करने वाले हैं, बहुत अच्छे से फूल वगैरह फेंक रहे हैं, इनकी मदर फैमिली फुल सिस्टर इनकी बहुत अच्छे लग रहे थे। आप ब्राइडल की लुक शेयर करती हूँ। ड्रेस की डिटेल्स आप लोगों को देती चलूं कि लॉन्ग मैक्सी थी इसकी, और कुछ ग्रे क्रीमी सा शेड था इसका, और जो सा ना इसके ऊपर फुल हैंड एम्ब्रॉयडरी थी, और जिसको अड्डा वर्क भी बोलते हैं वो एंटीक शेडेड में इसकी एम्ब्रॉयडरी थी, और ग्रे कुछ ब्राउन इस टाइप की मिक्स एम्ब्रॉयडरी थी, और बीच में वाइट पल्स यूज़ किए गए थे इसके अंदर, और जो सा ना हैवी एम्ब्रॉयडरी में ड्रेस था। हालाँकि जो कि ट्रेंड में जा रहे हैं अभी निकाह के ड्रेसेस, उससे काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी डिफरेंट थी और ये लुक इसकी। और जो सा ना दुपट्टा इसका फोर साइडेड बॉर्डर में था, और इसने इसके साथ गोल्ड की सारी ज्वेलरी वेयर की थी, और जो सा ना झूमर इसका आर्टिफिशियल था, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रही थी। हालांकि जो हमारी आजकल निकाह की ब्राइडल होती है वो बिल्कुल जो सा ना बारात की ब्राइडल जैसे रेडी हुई हुई होती है, इसने क्योंकि जो सा गोल्ड की ज्वेलरी पहनी है तो इसने फिर रिंग्स छोटी ली हैं, और इसने बिंदिया बीच में से मिसिंग की है वो नहीं लगाई, उसके बाद इसने रोजेस बहुत ज़्यादा नहीं लगवाए, हेयर्स बिल्कुल इसके जो सा ना लूज से कर्ल्स और स्ट्रेट मिक्सअप थे, और जो सा ना लाइट पफ में था, लिपस्टिक लाइट सी पिंक कलर की थी, लाइट सा मेकअप था। अब इसका निकाह स्टार्ट होने वाला है, मैं इसको दुपट्टा करवा लूँ और उसके बाद ही इसका निकाह स्टार्ट हो जाएगा। तो जी जनाब अल्लाह पाक के करम से इसका निकाह हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से निकाह हो गया, और अब हम लोग इसको लेके बाहर आ रहे हैं। इसकी भाभी, इसकी सिस्टर सब इसके साथ हैं, इसकी कज़न्स वगैरह, और मैं साथ साथ वीडियो भी शूट कर रही हूँ, और साथ साथ जो रस्में हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरी कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोग मुझे देख सकते हो, मैं पीछे हूँ और मैं पीछे से कुछ क्लिप्स ले रही थी, कभी आगे जा के ले रही थी, क्योंकि आप लोगों के लिए भी सब कुछ मुझे रिकॉर्ड करना था और इसके लिए भी करना था, क्योंकि ये मेमोरीज़ होती हैं, इनको सेव रखना पड़ता है। अच्छा जी, अब हल्ला गुल्ला तो होता रहेगा, शूट होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो मैं आप लोगों को दिखाते ही चलूँ। हसीब एंड राफिया लिखा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, बस अल्लाह पाक
बुरी नज़र से बचाए, हसद की नज़र से इन दोनों को बचाए, आमीन। और उसके बाद जी मेरी फैमिली ऊपर गई, रस्में स्टार्ट हो गई थी क्योंकि, और सलामी वगैरह सब दे रहे थे, गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे, और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऊपर नहीं गई थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं कह रही थी मैं नीचे ही ठीक हूँ, मैं इसके पास गई तो मैं रो जाऊँगी। और उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे क्योंकि दूध पिलाई की रस्म करनी थी हमें, और जो है बनाई वीडियो रिकॉर्ड करी थी यहाँ पर, और हम लोग जो सारे ग्लास में दूध डाल रहे थे यहाँ पर, बहुत बड़ा कारनामा हमने किया था, बट उसके बाद हमने कवर भी कर लिया था उसको। और जो है ना अब हम लोग जाते हैं बाहर, वो तो क्लिप्स मैं नहीं ले सकी बाहर की क्योंकि जो है ना वहाँ पे आप लोगों को पता है रश थी और अच्छा भी नहीं लगता, और खाना यहाँ पे लग चुका है, और जो है ना खाने की भी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी क्योंकि खाना मैंने खाया नहीं था, तबीयत ख़राब थी मेरी, किसी और की शादी होती तो मैं बिल्कुल भी ना जाती जितनी मेरी तबीयत ख़राब थी, बट ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की, मेरी कज़न की शादी थी, मीट था, सैलड से चिकन था और फिश थी, अच्छा बहुत कुछ था, मैंने क्योंकि खाया नहीं है, दूसरों की प्लेट में से वीडियोस लेती रही हूँ भूखों की तरह, और जो है ना क्योंकि आप लोगों से शेयर कर रही थी। उसके बाद ही हम लोगों ने शूट किया दोबारा, ऊपर भी नीचे भी स्टेज पे भी मतलब, और उसके बाद मैं अंदर आ गई थी क्योंकि रुखसती का टाइम था और मेरी हिम्मत ही हो रही थी मैं बाहर जाऊँ उसको रुखसत होते हुए देखूँ, और जो है ना अंदर आके मैं अपनी वीडियोज़ ले रही थी। और उसके बाद फिर मैं बाहर गई थी और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ी सी हिम्मत की थी मैंने, और जब मैं बाहर गई तो फिर तो बस मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद तो रोती मैं घर तक आई थी रोते हुए, और घर पे भी मैं रोती रही थी। और जो है ना मेरी कज़न रुखसत हो रही है, उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो है ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर बेटी को घर पे आबाद और खुश रखे। इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।